नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 18 मार्च और सोमवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पीएम मोदी आवास योजना में मिलेगा दोगुना पैसा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, एक घर के लिए जारी होंगे 2.40 लाख रुपए। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीणों को नए सिरे से बड़े सुधारों के साथ दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है। देश की आबादी बढ़ने के कारण केंद्र सरकार अगले 5 साल में नई ग्रामीण आवासीय योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक किफायती मकानों की निर्माण कराएगी और सस्ती कीमतों पर इसे लोगों को सौंपेगी। इस समय चल रही पीएम आवास योजना का मियाद 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। चुनाव के बाद इसे नए सिरे से लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अब आवास के दोगुने पैसे मिलेंगे। पीएम आवास योजना में दोगुना पैसा यानी एक घर के लिए 2.40 लाख रुपए जारी होंगे। आर्थिक सहायता मिलेगी, साथ ही अब तक आपको बता दें कि 1.20 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, लेकिन अब सरकार की यह राशि बढ़ाने की तैयारी में है। 1 अप्रैल के बाद यह राशि बढ़ा दी जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, नीम्बाराम यथावत बने रहेंगे राजस्थान के आरएसएस क्षेत्र के प्रसारक। दरअसल आरएसएस के समापन सत्र में अहम फैसला लिया गया है कि नीम्बाराम यथावत राजस्थान के आरएसएस क्षेत्र प्रसारक बने रहेंगे। दरअसल इस संबंध में सह क्षेत्र कार्यवाह योगेंद्र, सह संपर्क प्रमुख मनोज, साहित्य परिषद वही विजयानंद, प्रांत प्रसारक जोधपुर होंगे। वहीं प्रदेश की अली बड़ी खबर, प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के काम जारी। पिछले महीने जारी आंकड़ों के मुताबिक 5,32,09,789 मतदाता राजस्थान में हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के लिए काम जारी हो गया है। पिछले महीने जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 5 करोड़ से अधिक लोकसभा के मतदाता हैं। खासतौर पर आपको बताएं तो पिछले महीने जारी आंकड़ों के मुताबिक 5,32,00,000 मतदाता राजस्थान में वोट करेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की शेष लोकसभा सीटों को लेकर जल्दी आएगी कांग्रेस की दूसरी सूची। 18 या 19 मार्च को होगी सीईसी की बैठक। दरअसल राजस्थान की शेष लोकसभा सीटों को लेकर जल्दी कांग्रेस की अगली सूची आने जारी है। कांग्रेस की अगली सूची 20 मार्च तक आ सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आज सीईसी की बैठक हो सकती है। इस सूची में पहले फेज के चुनाव की शेष सीटों के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, जिसमें जयपुर सर, जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर के उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे फेज की सीटों के भी उम्मीदवार घोषित होंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस से भाजपा में जाने वालों का सिलसिला जारी। डॉक्टर करण सिंह यादव सहित कई नेताओं ने भाजपा को किया ज्वाइन। दरअसल राजस्थान में भाजपा सरकार होने की वजह से कांग्रेस से राजस्थान के अंदर भाजपा पार्टी के अंदर कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में डॉक्टर करण सिंह यादव सहित तमाम कई बड़े नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में जाने वालों का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में भाजपा पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस नेताओं की होड़ क्यों मची हुई है, इसके पीछे कारण यह है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार। और इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों के अध्यक्षों की घोषणा, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्षों की यह घोषणा की गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किसान आयोग के अध्यक्ष बोले बीजेपी से नाराज नहीं है किसान, केवल इसका भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको दूर करने के लिए काम करेंगे। राज्य किसान आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी का कहना है कि प्रदेश में किसान बीजेपी से नाराज नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन का असर राजस्थान में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं था। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उन्होंने कहा है कि अगर किसान बीजेपी से नाराज होता तो बीजेपी की सरकार कैसे बनती। उन्होंने कहा है कि किसान बीजेपी से नाराज है कि यह केवल ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम को दूर करने का हम काम करेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आरसीए को 8 अप्रैल को मिलेगा नया परमानेंट अध्यक्ष। 4 अप्रैल को होने जा रहे हैं नामांकन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 8 अप्रैल को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आरसीए के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने इसके लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इससे पहले यहाँ पर अध्यक्ष पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे, हालांकि आरसीए के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर,
राजस्थान की सरकारी वेबसाइटें हो गई हैक। खेल हो या शिक्षा विभाग, क्लिक करते ही खुल जाते हैं ऑनलाइन जुए के पेज। कितना खतरनाक बच्चों के लिए। राजस्थान सरकार ऑनलाइन गैम्बलिंग जुआ को प्रमोट कर रही है। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि कई वेबसाइट पर ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग के पेज बन गए हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि राजस्थान में ऐसे कई शिक्षा विभाग खेल की वेबसाइट पर भी देखने को मिल रहे हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण ही है। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसा लिंक है जिनमें राजस्थान सरकार की कई वेबसाइटों और कई विभागों को हैक करके ऑनलाइन जुआ और गेमिंग के पेज बना दिए गए हैं। लेकिन ऐसा किसने किया, क्यों किया और कैसे किया, इन सवालों के जवाब जानने के लिए सरकार ही ऑफिशियली तौर पर स्पष्ट कर सकती है। साइबर सिक्योरिटी की कमी से हैकिंग हुई है। मामले की पड़ताल में यह सामने आया कि राजस्थान सरकार के डोमेन यानी rajasthan.government.in को साइबर सिक्योरिटी की कमी के कारण हैक कर लिया गया है। हैक करने के बाद वेबसाइट के सोर्स कोड में गैम्बलिंग साइट का लिंक डाल दिया गया है। साथ ही सरकारी वेबसाइटों पर अपने पेज भी बना दिए गए हैं। इसका नतीजा खामियाजा ये रहा है कि गूगल सर्च इंजन में कई तरह की वेबसाइटें आ रही है। अगर कोई बच्चा अपना परिणाम चेक करना चाहता है तो वो दूसरी वेबसाइटों पर क्लिक करता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी का नया दांव, सीआर चौधरी को मिली बड़ी कमान। दरअसल राजस्थान में किसानों को अब सीआर चौधरी संभालेंगे। सीआर चौधरी को किसानों के लिए बड़ी कमान सौंपी गई है। बीजेपी का नया ये दांव खेला जा रहा है। जाट समाज को साधने के लिए बीजेपी ने एक नया दांव खेला है। बीजेपी ने सीआर चौधरी को ये बड़ी कमान सौंपी है जो कि किसानों को लेकर है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शिक्षकों को लेकर आया नया अपडेट, 10,000 वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे व्याख्याता। दरअसल शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर पिछले 3 साल से बकाया चल रही डीपीसी करने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। करीबन 10,000 वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर्स बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में पेट्रोल डीजल को लेकर आई बड़ी खबर, सबसे सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। केंद्र और राज्य सरकार ने 2 दिन पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों से बड़ी महंगाई से आम जिनको राहत देने के लिए कीमतों और वैट की दरों में कमी की थी। इसके बाद सरकार ने दावा किया था कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल कम हो गया है। राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतें समान होंगी, लेकिन राज्य के जिलों में ही पेट्रोल डीजल की दरों में असमानता सामने आ रही है। इस समय सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल भरतपुर में मिल रहा है, वहीं सबसे महंगा जैसलमेर, सिरोही और जालौर में पेट्रोल डीजल मिल रहा है। राज्य में ही 2 रुपए तक का अंतर है। सरकार ने जब पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया तो बयान जारी किया था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें समान होंगी, लेकिन जिलेवार के आकलन में यह सामने आया कि राजस्थान में अलग अलग रेट है। पेट्रोल डीलरों का कहना है कि राज्य में वैट की दरें अब भी राज्य के आसपास के 7 राज्यों से ज्यादा है। वहीं प्रदेश के बता दें कि राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल में बात करें तो जयपुर में पेट्रोल और डीजल लगभग 50 रुपए महंगा हुआ है। ऐसे ही अन्य जिलों में कीमतों का अंतर साफ दिख रहा है। डीलर्स का कहना है कि वैट के साथ ही दूरी के कारण महंगा परिवहन भाड़ा भी कीमतों को बढ़ा रहा है। आज सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल है, डीजल है, वो भरतपुर में रहा है। यहाँ 104.37 पेट्रोल है तो डीजल 89.87 रुपए रहा है। सबसे महंगा जैसलमेर और सिरोही और जालौर में है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बदला इस योजना का नाम, नया होगा अपडेट, गाइडलाइन हुई जारी। कांग्रेस सरकार में होनार छात्र छात्राओं को विदेश पढ़ाई के लिए शुरू की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम भाजपा सरकार ने बदल दिया है। अब इसे स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत चलाया जाएगा। योजना का नाम बदलने के साथ ही सरकार ने विदेश शिक्षा का दायरा घटा दिया है। पहले जहां 500 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर मिलता था, अब 300 छात्रों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। वहीं सरकार 200 छात्रों को देश के ही उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाएगी। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। पुराने आवेदनों का पुनः परीक्षण किया जाएगा। अब बता दें कि जो पुराने आवेदन हुए थे उस शिक्षा विभाग उन्हें पुनः परीक्षण करेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जुलाई में लागू हो सकता है ट्रेनों का नया टाइम टेबल, 250 से अधिक एक्सपर्ट दे रहे हैं जानकारी। देश भर में चल रही ट्रेनों की शेड्यूल, नई ट्रेनें शुरू करने और उनकी स्पीड बढ़ाने के साथ ही होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार अप्रैल महीने में जयपुर में आयोजित की जाएगी। रेलवे इस संबंध में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में जारी किए जाने वाले ट्रेनों के टाइम टेबल को पहले की तरह जुलाई से लागू करने की व्यवस्था शुरू कर दें। हालांकि ये बैठक में तय होगा।
ट्रेन ऑपरेशन ने बताया है कि ट्रेन की स्पीड भी तय की जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, परिवहन विभाग का बड़ा आदेश, 1 अप्रैल से सुविधाएं हो जाएंगी बंद, वाहन चालक हुए मायूस। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही वाहन चालकों को वाहनों के रजिस्ट्रेशन यानी सर्टिफिकेट RC और ड्राइविंग लाइसेंस DLJ में रखकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। अब परिवहन विभाग RC और लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड जारी करना पूरी तरह से बंद कर देगा। विभाग अब सिर्फ ERC और EDL की जारी करेगा। स्मार्ट कार्ड का ₹200 शुल्क भी अब नहीं लिया जाएगा। शार्दुल शहर में इस पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इस संबंध में सरकार और परिवहन विभाग को यह बड़ा आदेश जारी किया गया है। 1 अप्रैल से इस सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। RC और ड्राइविंग लाइसेंस DLJ में रखकर आपको घूमने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। इसके लिए सरकार अब ERC और EDL जारी करेगा। स्मार्ट कार्ड का ₹200 शुल्क भी अब नहीं लिया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ओलास्टक की अवधि में 8 ग्रह रहेंगे उग्र, शुभ कार्य करने से बसें नहीं तो होगा बड़ा नुकसान। मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए पूर्णतया वर्जित माने जाने वाले ओलास्टक की शुरुआत होली से 8 दिन पूर्व रविवार को सूर्योदय के साथ हो गई है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार ओलास्टक 8 के बजाय 9 दिन के होंगे। ज्योतिषी ने जानकारी दी है और बताया कि ओलास्टक में त्रयोदशी की तिथि 22 और 23 मार्च की वृद्धि होने से बदला हुआ है। होलाष्टक का समापन अब 25 मार्च को होगा। मान्यता है कि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से यातनाएं दी थी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में 10 सीटों पर हुआ मंथन। आज दिल्ली में हो सकती है बड़े नेताओं की साथ चर्चा। 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन करने की चर्चा के लिए भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक पिछले ही दिनों आयोजित की। इस बैठक में पार्टी ने अब तक 10 सीटों पर किए गए मंथन के बाद नामों पर चर्चा की है। कुछ लोकसभा सीटों पर महिला नेताओं के नाम भी पैनल में शामिल किए गए हैं। उस पदस्थ सूत्रों के अनुसार पार्टी के बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ का नाम, राजसमंद और सतीश पुनिया का नाम अजमेर से पैनल में शामिल किया गया है। झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित 1-2 अन्य सीटों पर महिलाओं के नामों की चर्चा हुई है। नए चेहरों और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कुछ प्रमुख नेताओं के नामों पर भी चर्चा हुई है। अब कोर कमेटी के सभी सदस्य दिल्ली जाएंगे और बड़े नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, इसके बाद ही नाम तय होंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में सोना बढ़ा, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹61,510 प्रति 10 ग्राम। दरअसल ऊंची कीमतों पर सोने में मांग कमजोर रही है, जिससे भाव में नरमी आई है। 22 कैरेट सोने की कीमत प्रदेश के अंदर ₹65,510 प्रति 10 ग्राम बिका है। वहीं यहां पर बात करें सोने के प्रति तोले की, तो यहां पर प्रति तोले के हिसाब से यहां पर सोने की रेट ₹77,000 प्रति तोला है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल करेंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन, RLP के 10 वोट भी कम नहीं होंगे, बेनीवाल का दावा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आज हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस में गठबंधन की सीट पर नागौर सीट पर बात बनी जा रही है। आज दोपहर में इस संबंध में दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रेस वार्ता भी होगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई है। हरीश गुट को शांत करने के लिए पिछले ही दिनों उम्मीदवार बेनीवाल को पार्टी में शामिल करवाया गया था। अब खबर यह आ रही है दिल्ली से कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस में गठबंधन हो गया है। नागौर सीट पर बताया जा रहा है कि सहमति बन गई है, संभावना है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है, हालांकि दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो देखने योग्य होगा, सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी नहीं दी है। हालांकि कुछ संभावनाएं जताई जा रही है कि दिल्ली से बड़ी खबर है हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस में गठबंधन नागौर सीट पर सहमति बन चुकी है। आज दोपहर में इस संबंध में दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस वार्ता भी होने जा रही है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।